हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूनिट फर्स्ट से, दैट इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के अंदर हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ इसके यूजेज एंड स्टोरेज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बोरिक एसिड, स्टूडेंट्स, जो बोरिक एसिड होता है, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बोरिक एसिड एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, जो बेसिकली हमें मिनरल्स मीन्स जैसे रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, वहाँ से मिलता है। और चट्टानों में भी खासकर जहाँ पे जो वार्म स्ट्रीम्स होती हैं, गर्म जल धाराएं जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ से ये मिलता है। बेसिकली जो बोरिक एसिड होता है एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, जो कि एक मिनरल जिसे हम सेसोलाइट्स बोलते हैं, वहां से ये मिलता है। सेसोलाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक येलो कलर की एक मिनरल होती है जिसके थ्रू हमें बोरिक एसिड मिलता है। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3BO3, एंड इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो है 61.83। मीन्स अगर हम H3BO3 को हम ऐड ऑन करें, इसके मॉलिकुलर्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके मॉलिकुलर वेट को हम ऐड ऑन करें, तो हमें जो मॉलिकुलर वेट मिलेगा वो मिलेगा 61.83। नेक्स्ट आता है इसके सिनोनिम्स, मतलब इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो बेसिकली जो बोरिक एसिड होता है उसको डिफरेंट टाइप्स के नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्थो बोरिक एसिड, बोरेसिक एसिड, सेसोलाइट और बोरोफेक्स। इन कॉमन नेम्स के थ्रू भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है एमओपी। एमओपी मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कितने टाइप्स के मेथड हैं जिसके थ्रू बोरिक एसिड को बनाया जाता है। बेसिकली बोरिक एसिड होता है डिफरेंट टाइप्स के मेथड के थ्रू लेबोरेटरी में बनाया जाता है, साथ ही साथ यह नेचुरली भी अकर्स किया जाता है, इसको हम नेचुरली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेबोरेटरी मेथड देखेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड है, दैट इज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बोरिक्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन को लिखने से पहले आपको उसके फॉर्मूलाज जरूर आने चाहिए, तो उसके बाद आप इजली किसी भी रिएक्शन को बना सकते हैं। अब इस मेथड के थ्रू हम बोरिक एसिड को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसमें बोरेक्स लेंगे। बोरेक्स का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है इसको हम वाटर में पहले सोल्यूबल करेंगे, किसे? बोरेक्स को। और साथ ही साथ इसे हम गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे वाटर और इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू। आफ्टर दैट हमें कुछ क्रिस्टल्स पाउडर लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है, दैट इज नोन एज बोरिक एसिड। चलिए इसके रिएक्शन देखते हैं। सो जो रिएक्शन रहेगी स्टूडेंट इसकी, जब हम बोरेक्स को ऐड करते हैं, गरम बोरेक्स को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें ऐड कर देते हैं वाटर, तो ये हमें देता है Na2SO4, दैट इज नोन एज सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप रिएक्शन लिखें तो ये नेसेसरी है, जो भी आप कंपाउंड लिखें, केमिकल नेम उनका जरूर लिखें, और साथ ही साथ ये जरूर चेक कर लें कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस मींस इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड सेम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होने चाहिए और राइट हैंड साइड सेम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होने चाहिए। सो जो इसका वीडियो है बैलेंस कैसे करते हैं, अगर आपको सीखनी है बैलेंस कैसे करते हैं, तो मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसकी जो थ्योरी बनेगी, जब हम बोरेक्स को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है, पहले हमें बोरेक्स को ऐड करना होगा वाटर में और इसे गर्म करना होगा, दैट इज नोन एज हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। जब हम बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को, तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड कैसे मिलेगा, जब हम इसको ठंडा करेंगे और लास्ट में इसे फिल्टर कर देंगे। आफ्टर मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज में भी टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका टेस्ट, कलर, उसकी ऑर्डर, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट,
ये सब हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें बोरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो बेसिकली इट इज ऑर्डरलेस, मींस इसमें कोई भी गंध नहीं आती। ऑर्डर मींस उसकी स्मेल, उसकी गंध, तो इट इज अ ऑर्डरलेस, इसमें कोई गंध नहीं आती है। सम टाइम इट इज कलरलेस, कई बार ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट प्लेट्स की फॉर्म में हमें मिलता है, और कई बार प्रेसिपिटेशन के बाद ये व्हाइट ग्रेन्युलर और पाउडर फॉर्म में मिलता है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स मीन्स लाइक दानेदार, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स, तो दानेदार पाउडर्स की फॉर्म में भी हमें ये मिलता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये कब पिघलेगा? ये 171 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर बोरिक एसिड अलग अलग बिहेवियर शो करता है। जैसे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर इसका आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दें, तो क्या होगा, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये बोरोन ट्राई ऑक्साइड बना देता है। तो टेम्परेचर का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग टेम्परेचर पे बोरिक एसिड अलग अलग बिहेवियर शो करता है। अब अगर बात करें इसकी सॉल्युबिलिटी की, बेसिकली ये वाटर में सॉल्युबल है, मींस वाटर में थोड़ा पार्शियल सॉल्युबल है। पार्शियल सॉल्युबल का मतलब होता है थोड़ा कम सॉल्युबल है, और अल्कोहल में भी ये सॉल्युबल है, और साथ ही साथ ग्लिसरॉल में भी सॉल्युबल है। अगर हमें इसकी सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी हो, तो अगर हम उसमें HCl और सिट्रिक एसिड को ऐड कर दें, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वाटर में इंक्रीज हो जाएगी। या इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो आप इसे हीट प्रोवाइड करके, मींस इसे गर्म करके पानी के साथ भी इसे वाटर में सॉल्युबल बना सकते हैं। दिस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टीज आती हैं, वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी में हम इस कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन लेंगे वो होगी रिएक्शन विद NaOH। NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखते हैं रिएक्शन क्या बनेगी। सो जो रिएक्शन बनके हमारे पास आएगी, जब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो ये हमें दे देता है NaBO2 और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल। जो NaBO2 है वो है सोडियम मेटाबोराइड। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप रिएक्शन लिखें, उनके केमिकल नेम जरूर मेंशन करें, इससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। और साथ ही साथ ये नोटिस करें, ये नोट करें कि जो रिएक्शन है वो प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है। अब रिएक्शन लिखने के बाद बात आती है इसकी थ्योरी लिखने की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको थ्योरी लिखनी नहीं आ रही है, तो आप एक ट्रिक के थ्रू भी उसे आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, ये जो तीन वर्ड है इनको लर्न करना होगा। तीन वर्ड क्या क्या है, व्हेन रिएक्ट विद टू फॉर्म, क्या व्हेन रिएक्ट विद टू फॉर्म, इन तीनों का यूज करके आप इस रिएक्शन की थ्योरी बड़े ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सो फर्स्ट वर्ड है वो है व्हेन, ठीक है। फर्स्ट और जो सेकंड वर्ड रहेगा ये इस एरो से इधर वालों के लिए रहेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो आपको यूज करना है वो इधर करना है। कैसे, तो सबसे पहले हम वर्ड लेंगे व्हेन। तो स्टार्ट करेंगे व्हेन, व्हेन, व्हेन के बाद जो आपका फर्स्ट आपका कंपाउंड है उसको ऐड करेंगे। व्हेन NaOH नहीं बोलेंगे, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका केमिकल नेम बोलेंगे। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा वर्ड क्या है, रिएक्ट विद, आप लगाएंगे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बोरिक एसिड के साथ, ठीक है। बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, लास्ट वर्ड बचा है, वो लास्ट वर्ड कहां के लिए लगेगा, ये राइट हैंड साइड के लिए, इस वाले के लिए। तो क्या लाइन बनी थी हमारी, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद बोरिक एसिड टू फॉर्म, टू फॉर्म क्या बनता है, सोडियम मेटाबोराइड एंड वाटर। तो बहुत ही आसान है, तो इसको लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दीज थ्री पॉइंट्स थ्योरी क्या बनी, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद बोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम मेटाबोराइड एंड वाटर। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसकी थ्योरी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद H2O2। H2O2 मींस स्टूडेंट्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब जो बोरिक एसिड है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, जब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराते हैं,
तो ये इसके साथ बाइंड होकर के ये जो बोरिक एसिड है टूट जाएगा और ये बना देगा HBO3, और साथ ही साथ ये जो H निकला था वो इसके O2 के साथ मिक्स करके बना देगा H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करके जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आई है वो है H3BO3 प्लस H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर इसके बाद ये रिएक्शन कर जाएगा और ये टूट जाएगा, टूटने के बाद बना देगा HBO3 दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बोरेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये दे देगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर हमें इसकी थ्योरी लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, फिर दोबारा एनी तीन से स्टार्ट करेंगे वैन से। वैन सबसे पहले क्या है, बोरिक एसिड, वैन बोरिक एसिड। सेकंड वन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। लास्ट वन इज टू फॉर्म क्या बना देगा, हाइड्रोजन बोरेट एंड वाटर। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी बड़े ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, सो जो नेक्स्ट रिएक्शन लगाएंगे हम, रिएक्शन विद Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट। अब जब बोरिक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो इसके साथ रिएक्शन करके बना देगा सोडियम टेट्राबोरेट, जिसको हम बोरेक्स के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी रिलीज करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट्स, ये गैस है और इसके साथ हमारा ये साइन लगेगा। कभी भी ये साइन लगा हो तो समझ लीजिएगा वो एक गैस की फॉर्म में निकलेगा, और साथ ही साथ ये कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर भी देगा। तो इसकी अगर हमें थ्योरी लगानी हो तो फिर दोबारा इन्हीं का यूज करके आप बना सकते हैं, जैसे व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद बोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम टेट्राबोरेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो ये केमिकल नेम है और इन तीन वर्ड्स का यूज करके आप इजिली थ्योरी इसकी लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है केमिकल रिएक्शन। सो एग्जाम में आपको कम से कम 2 केमिकल रिएक्शन लिखनी जरूरी है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, नाउ इट्स यूजेस। अब जो बोरिक एसिड है उसके बहुत सारे यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके यूजेस अवेलेबल हैं। तो उनमें से कुछ यूज इसके जो इंपॉर्टेंट यूज हैं वो हैं, फर्स्ट इट इज यूज्ड एज एन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगाइस्टैटिक या फंगी स्टैटिक। बेसिकली ये जो यूज किया जाता है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, और खास खास जो फंगस होते हैं जिनकी वजह से दांत खाज खुजली हो जाती है उनको भी खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। अनदर यूजेस इज इट इज यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट होते हैं बेसिकली, जब हमारी बॉडी पे कहीं पे कट लग जाता है, चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो कंपाउंड यूज किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, दैट इज नोन एज एस्ट्रिंजेंट। तो बेसिकली जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं, वो जो हमारी स्किन होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब जहां से खून निकल रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और वहां से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। सो ये एस्ट्रिंजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। अनदर प्रॉपर्टीज एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। एंटीमाइक्रोबियल है, एंटीमाइक्रोबियल इन आई ड्रॉप्स। बेसिकली जो हमारी आई ड्रॉप्स होती हैं, जब हमारी आई में जो हमारी आंखें होती है उसमें इन्फेक्शन आता है, वहाँ पे खुजली होती है, ठीक है, पेन होने लग जाता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आंखें रेड हो जाती हैं, तो वहाँ पे इस कंपाउंड का यूज आई ड्रॉप में किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कंपाउंड यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये जो कॉकरोच मारने वाले होते हैं, जैसे काला हिट हो गया, तो उसमें भी बोरिक एसिड का यूज किया जाता है ताकि उनको मारा जा सके। इसका जो अनदर यूज है दैट इज यूज इन माउथ वॉशेज। माउथ वॉशेज मीन्स ये एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो मुंह में कुल्ला करने के लिए यूज की जाती है, तो उनमें भी ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्किन लोशन। बेसिकली स्किन लोशन में भी ये एज एन प्रोटेक्टिव, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसकी फॉर्म में ये यूज किए जाते हैं। इट इज यूज एज एन सपोजिटरी बेसिस या स्टूडेंट, बेसिकली सपोजिटरी बेस, जो सपोजिटरी हमारी एक डोजेस फॉर्म होती है जिसको रेक्टल या वेजाइनल रूट से लिया जाता है, उसको बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब जो बोरिक एसिड है उसको स्टोर कैसे किया जाए, सो बेसिकली जो बोरिक एसिड है उसको वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में
इसको स्टोर किया जाना चाहिए ताकि इसमें मॉइस्चर ना जा सके, क्योंकि अगर इसके मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा और केमिकली डिग्रेडेशन से ये खराब हो जाएगा। मींस इसकी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है, सारी की सारी कम हो जाएंगी। सो इसीलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर किया जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू बोरिक एसिड का, इसका इंट्रोडक्शन, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड स्टोरेज। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। सो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।